गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास. सो दिस इज सेकेंड वीडियो ऑफ योर चैप्टर नंबर टू, टू स्मॉल टू हेल्प, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे, एक लायन की और एक माउस की कहानी पढ़ रहे थे. ठीक है, जिसमें जो एक माउस था वो बहुत ही ज़्यादा शैतान था, छोटा सा चूहा था. ठीक है, और उसने क्या किया, लायन को सिर्फ मज़े करने के लिए लायन की बॉडी के ऊपर कूदने लगा जब वो सो रहा था. ठीक है, तो लायन ने अपनी, जब वो सो रहा था, अपनी स्लीपी आइज खोली और देखा कि एक चूहा उसके ऊपर कूद रहा है. और उन्होंने क्या बोला, उसको पकड़ लिया अपने पंजे में और बोला कि मैं तुमको मार दूंगा. जिसके बदले में चूहे ने क्या किया, चूहे ने उनसे भीख मांगी कि मैं किसी दिन आपकी हेल्प कर दूंगा, आप प्लीज आज मुझे छोड़ दो. ठीक है, अब इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम पढ़ेंगे. ऑल राइट लिटिल माउस, यू आर टू स्मॉल टू हेल्प मी. तो उसने, लायन ने क्या बोला, जब छोटे से चूहे ने दोबारा से अपनी लाइफ के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए भीख मांगी, तो उसने क्या, लायन ने क्या बोला, ठीक है छोटे चूहे, तुम बहुत स्मॉल हो मेरी मदद करने के लिए. आई एम लार्ज एंड माइटी, मैं बहुत बड़ा और विशाल हूँ. यू कैन नेवर हेल्प मी, तुम मेरी कभी ज़िंदगी में मदद नहीं कर पाओगे. इनफैक्ट आई शैल नेवर नीड योर हेल्प, और कभी मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. एनी हाउ आई लेट यू गो, मगर फिर भी मैं तुमको जाने देता हूँ, क्योंकि तुम अपने लिए बहुत ज़्यादा, अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा भीख मांग रहे हो. डोंट डू एनी मिस्टेक्स एवर अगेन, और दोबारा से कोई शैतानी मत करना, मिस्टर लायन से. ये किसने कहा था, मिस्टर लायन ने चूहे से कहा. ठीक है, अब लायन को पता था कि ये तो बहुत छोटा सा चूहा है, ये मेरी कभी मदद नहीं कर पाएगा, मगर फिर भी चूहे को उसने जाने दिया, उसको खाया नहीं. लिटिल माउस थैंक्ड हिम एंड रैन अवे. अब छोटे चूहे ने क्या किया, थैंक यू बोला शेर को, लायन को, और वहां से भाग गया. अ फ्यू डेज लेटर, अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, लिटिल माउस हर्ड द लाउड रोर ऑफ मिस्टर लायन. अब कुछ दिन बाद क्या हुआ कि जो छोटा सा चूहा था उसको कहीं से मिस्टर लायन की बहुत जोर जोर से दहाड़ने की आवाज आ गई थी. He went out of his hole to see what the lion was roaring about. अब वो अपने जो बिल था उससे बाहर निकला देखने के लिए कि ऐसे क्या बात हो गई कि लायन जो है वो इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है. He rushed in the direction of the roar, और जिस तरफ से आवाज आ रही थी उस तरफ माउस जो है वो भागना शुरू कर दिया, उस डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिया. ही फाउंड मिस्टर लायन ट्रैप्ड इन अ बिग नेट, और उसने क्या देखा छोटे चूहे ने, कि जो इतना बड़ा लायन है उसको किसी ने जाल में है फंसा दिया है, वो बड़े से नेट के अंदर फंसे हुए हैं. लिटिल माउस सेड टू मिस्टर लायन, सर प्लीज सिट डाउन पीसफुली, और छोटे से चूहे ने क्या बोला लायन को, कि आप प्लीज आराम से बैठ जाइए, पीसफुली यानी शांति से बैठ जाइए. ठीक है, शांति से आराम से बैठ जाइए. आई शैल हेल्प यू टू गेट फ्री, और मैं आपकी मदद करता हूँ ताकि आप आज़ाद हो जाओ. वट कैन यू डू लिटिल माउस, अब लायन ने क्या रोर किया, क्या दहाड़ते हुए क्या पूछा, तुम क्या कर सकते हो छोटे चूहे. विद ऑल माई माइट आई हैव नॉट बीन एबल टू ब्रेक फ्री, मतलब मैंने इतनी ताकत लगाई अपनी, इतने बड़े शरीर के साथ इतनी ताकत लगा के भी मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा हूँ. यू cannot help me in any way, और तुम मेरी बिल्कुल भी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि जब मैं इतना विशाल होकर और इतना ताकतवर होकर अपने नेट को नहीं तोड़ पा रहा, तुम तो फिर भी एक छोटे से चूहे हो. I can help you sir, said little mouse confidently, मगर फिर भी इतने कॉन्फिडेंस ने छोटे से चूहे ने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ सर. मिस्टर लायन sat down while little mouse growled at the net with his sharp teeth. अब जो लायन था वो चुपचाप से बैठ गया देखने के लिए, तो लिटिल लायन ने क्या किया, जो सॉरी माउस ने क्या किया, लिटिल माउस ने, उसने ग्रोड यानी ग्राउड, मतलब क्या होता है ग्राउड, मतलब होता है काटना, जिसको आप बाइट बोल सकते हो, जिसको आप हिंदी में लिख सकते हो काटना. ठीक है, धीरे धीरे नेट को जो है वो काटना शुरू कर दिया. सून द नेट वॉज कट, और बहुत ही जल्दी से, क्योंकि चूहे के दांत जो होते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं, तो उसने क्या किया, जल्दी जल्दी फटाफट नेट को काट डाला. मिस्टर लायन केम आउट ऑफ द नेट, और अब मिस्टर लायन जो है वो नेट से बाहर आ गए. ही सेड टू लिटिल माउस, थैंक यू माई लिटिल फ्रेंड, और उसने माउस से क्या बोला बाहर आके, कि थैंक यू वेरी मच छोटे से मेरे फ्रेंड, आई एम सॉरी दैट आई मेड फन ऑफ योर लिटिल साइज, और मेरे को माफ कर दो कि मैंने सिर्फ तुम्हारा साइज देख के तुम्हारा मजाक उड़ाया, कि तुम छोटे से हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे, तुम मेरी कभी मदद नहीं करोगे, और ना मुझे कभी तुम्हारी मदद चाहिए होगी. प्लीज फॉरगिव मी, और मुझे माफ कर दो. फॉरगिव मतलब माफ कर दो.
वी कैन बिकम फ्रेंड्स। और उसने क्या बोला, छोटे माउस ने क्या बोला, मेरे को लगता है कि हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। ठीक है, लिटिल माउस ने बोला ये, नो डाउट लिटिल माउस यू कैन मेक एनी मिस्टीव्स विद मी। और लायन ने क्या बोला कि इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, हम लोग फ्रेंड्स बनेंगे और तुम मेरे साथ कितनी भी मस्ती कर सकते हो। आपका जो सेकेंड चैप्टर है बेटा वो यहीं पर फिनिश होता है। आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और जो भी आपके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको मार्क करने हैं बुक के अंदर, ठीक है, और उनका मीनिंग पता करना है।